जेठालाल भी ना कमाल कर, जोश में आ जाए तो फिर किसी से कुछ पूछता नहीं, कुछ सोचता नहीं, कुछ सुनता नहीं। जीता भाई आइए आइए बैठिए ना। नहीं बैठना नहीं अंजलि बाबी, ये अंगूठी कांड की वजह से मेरा सर घूम रहा है, जरा एक कप मसाला चाय पिलाएंगे प्लीज। हाँ एक चाय सॉरी दो कप, एक मेहता साहब के लिए भी। लेकिन जेठा भाई तारक को तो मैं ग्रीन टी पिलाती हूँ ना। अंजलि बाबी आज ग्रीन येलो ब्लू ब्राउन पर्पल सब कलर को बाजू में छोड़ दीजिए, आज खाली भारतीय रंग की हमारी मसाला चाय पिलाइए प्लीज। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ अभी लाती हूँ, पहले जेठा भाई आप शांति से बैठिए। अरे शांति तो मेरे जीवन में है ही नहीं अंजलि भाभी, मैं तो अच्छा भला सबका भला करने गया और बेवकूफ बन गया। हाँ ये बात तो है। जेठा भाई प्लीज आप बुरा मत लगाइए, गलती आपकी है ही नहीं। देखिए आप है भावुक इंसान तो आप भावुकता में बह गए बस। अंजलि भावुकता और बेवकूफी में बहुत बड़ा फर्क होता है और जेठालाल ने जो किया वो बेवकूफी ही है। नहीं तारक, जेठा भाई बेवकूफ नहीं है। अरे खुद बोला जेठालाल बेवकूफ है। नहीं तारक, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बेवकूफ हूँ, उन्होंने कहा कि मैं बेवकूफ बन गया, और बेवकूफ होने में और बेवकूफ बनने में बहुत फर्क है। तुम चाहे जो कह दो अंजलि, जेठालाल ने इस अंगूठी पे भरोसा करके, चमत्कारी अंगूठी पे विश्वास करके जो किया है ना वो बहुत बड़ी बेवकूफी है। तारक आपको भी पता है कि जेठा भाई पहले इन चमत्कारी अंगूठियों में विश्वास नहीं करते थे, ये तो हालात ऐसे हो गए कि उनसे विश्वास हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि भाभी, मैं तो ये अंगूठी पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा था, ये हालात ने मुझे फंसा दिया। देखा, और जेठा भाई का इरादा तो सबकी भलाई करने का ही था ना। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि भाभी, मैं तो सबका भलाई करना चाहता था। आप दिल छोटा मत कीजिए, इसमें आपकी बिल्कुल गलती नहीं है। अरे ओ जेठ भाभी संवाद, इन सब बातों से सच बदल नहीं जाएगा। एक मिनट, मैं तो सब जेठ भाभी नहीं देवर भाभी बोलिए। अरे देवर कैसे यार, तुम बड़े हो मुझसे जेठ। नहीं नहीं मैं, आप बड़े हैं मुझसे। मैं कैसे बड़ा, मैं छोटा हूँ। मैं छोटा हूँ। एक मिनट, यहाँ सबसे छोटी मैं हूँ और मैं चाय लेकर आती हूँ। ये क्या बोल के आ गए अंजलि भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई। ऐसे एक बात है मेहता साहब, ये अंगूठी के कांड से जीवन का एक सबसे बड़ा पाठ सीखने को मिला, कभी भी अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस तरह के सबक मिलते हैं समय समय पर, लेकिन समय के साथ सारे लोग सबक भूल जाते हैं और फिर से ऐसी परिस्थितियां आती है, फिर से बेवकूफ बनते हैं। मानस मात्र भूल न पात्र। वैसे कितने में पड़ी है भूल? 60,000। 49,000 थे ना भाई अंगूठियों के। 10,500 टैक्सी का भी वो लेके गया। ये फिर तो सिर्फ 10,500 की भूल हुई ना जेठालाल, क्योंकि 49,500 तो उसने दे दिया दया भाभी को। नहीं दिया भाई, उसने दया को कुछ नहीं दिया है। आप सब गए, उसके बाद में उसने मुझे बोला कि सबके सामने मैंने बोल दिया कि मैंने बहनों को पैसे दे दिए, लेकिन दरअसल मैंने पैसे दिए नहीं है, इसलिए आप मुझे 10,500 दे दीजिए, मैं राउंड फिगर 60,000 बहनों को दे दूंगा। 60,000 गए सब क्या जेठालाल, दे देगा। अरे आज तक 1 रुपया उसने दिया है, जो ये दे देगा। चलो मैं चलता हूँ। अरे भाई अंजलि, चाय का क्या हुआ? आ गई आ गई आ गई, ATM स्पेशल मस्त मसालेदार चाय आ गई। आ गया नोश फरमाइए। आ लो मैं ATM स्पेशल, मतलब कोई डाइट वाइट नहीं है ना, ग्रीन टी वगैरह कुछ नहीं तारक? नहीं नहीं मस्त मसाले की सुगंध आ रही है मेहता साहब। वाह मस्त चाय बनाई अंजलि भाभी, मजा आ गया। अरे हाँ जेठालाल, नटू काका और बाघा को बताया कि नहीं बताया इस प्रकरण के बारे में? नहीं। तो फिर दुकान जाके सबसे पहले यही सब कुछ बताना कि क्या हुआ है। मालती मासी आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, आपकी खोई हुई भैंस मिल जाएगी। मैं आपको एक चमत्कारी अंगूठी भेज रहा हूँ, वो पहनते ही आपकी खोई हुई भैंस तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तूने मालती मासी के लिए अंगूठी मंगवाई है? नहीं नहीं नट्टू काका, वो सेठ जी आज गोकुलधाम वासियों को अंगूठी पहनाकर बची हुई अंगूठी दुकान में ला रहे हैं ना, उसमें से एक अंगूठी मालती मासी को कुरियर कर दूंगा। अब लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, चमत्कारी अंगूठी सारी समस्याएं दूर कर देगी। मैं तो कहता हूँ हम इस चमत्कारी अंगूठी की एजेंसी ले लेते हैं और सबका भला करते हैं। कोई एजेंसी लेने की जरूरत नहीं है भाई, और खबरदार जो अंगूठी का नाम लिया है तो। सेठ जी ऐसे क्यों है? लेट अस फाइंड आउट।
सेठ जी, एक रात में आपको क्या हो गया? हाँ, कल रात तक तो आप भी हमारे साथ इस अंगूठी के गुण गा रहे थे और आज अचानक कह रहे हैं कि इस अंगूठी का नाम भी मत लो। सेठ जी, चमत्कारी अंगूठी की बुराई मत कीजिए, वरना बुरा फल भुगतना पड़ सकता है। अरे झूठी है ये अंगूठी, फोड़े फोड़। बाप रे बाप, ये चमत्कारी अंगूठी, हमारे सेठ जी को माफ कर देना, वो नहीं जानते वो क्या बोल रहे हैं। दिया को जवाब दिया अंगूठी ने? दिया जवाब? अरे बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, झूठी है ये अंगूठी, बंद करो ये अंधविश्वास में विश्वास करना। तो तुमको पता है ये अंगूठी कौन बेच रहा है? कौन कौन? सुंदर। सुंदर भाई? आपके साले सुंदर भाई? हाँ, वो साला मेरा सुंदर, ये मामूली 5 रुपए की अंगूठी पे अलग अलग कलर लगा के लोगों को चूना लगा रहा है। सेठ जी क्या कह रहे हैं आप? क्यों हिंदी में बोला, आपको समझ में नहीं आया? कोई और भाषा में समझाऊं? इंग्लिश? तो काका एक मिनट, लेकिन सेठ जी आपको ये सब कैसे पता चला और कब पता चला? आज सुबह जब मैंने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए ये चमत्कारी अंगूठी मंगाई, वो अंगूठिया कुरियर में आई, फिर उसके बाद आज के जमाने में हर एक की कोई ना कोई समस्या होती है, तो मैंने अलग अलग रंग की अंगूठिया बना दी और हर एक रंग को एक समस्या का नाम दे दिया और जिसका जो ऑर्डर था उसकी समस्या के हिसाब से उनको ऑर्डर भेज दिया। ओह माय गॉश, सेठ जी आई कांट बिलीव इट, ये अंगूठी झूठी है। हाँ, मतलब हम बेवकूफ बने? हाँ जी, आपके जरिए मैं बेवकूफ बना और मेरे जरिए पूरी गोकुलधाम सोसाइटी बेवकूफ बनी। सॉरी सेठ जी। सॉरी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अगर ये अंगूठी चमत्कारी नहीं है तो फिर सारे काम कैसे हो रहे थे? हाँ, this question is with validity. इसका जवाब ये है कि जब भी हम कोई काम हकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो ज्यादातर वो काम हो ही जाता है। हाँ, बराबर है, इस अंगूठी के साथ यही तो मैसेज था, तो कि इस अंगूठी को पहनकर सकारात्मक सोचो तो सकारात्मक फल जरूर मिलेगा। यह हकारात्मक हकारात्मक बोल के सुंदर हम सबके साथ नकारात्मक खेल खेल गया। अरे भाई, हम जीवन में सब काम अगर हकारात्मक सोच के साथ करें ना तो वो काम होता ही है, पर अगर ना भी हुआ तो हकारात्मक सोच की वजह से हमें ज्यादा चिंता नहीं होती, हम जीवन में आगे बढ़ते रहते। ओ, शाहरुख खान की कोई पिक्चर में डायलॉग भी है ना, वो क्या, हम अगर किसी कोई चीज को शिद्दत के साथ वो चाहते है, क्या वो? हाँ सेठ जी, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर सर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये वाला? हाँ, यही बात है, आई बात समझ में? जी जी। तो भी उंगली से अंगूठे निकालो और काम पे लगो हकारात्मक सोच के साथ। यस यस, चल बागा। जी। अच्छा भला अंगूठे के खिलाफ था, मेरा भाग्य ने मुझे अंधविश्वास के चक्रावे में चढ़ा दिया। ओ भाई भाग्य, अभी सुना ना मैंने जो हकारात्मकता के बारे में बात की हो, तो अभी तू भी जरा हकारात्मक वर्ताव रखना। हाँ, ठीक है ठीक है। मैंने हाँ कहा ना आपको, एक मिनट चालू रखिए। सेठ जी, वो आज हमारे भाद्रन नगर में कैरम कंपटीशन रखी है, तो मैंने और नटू काका ने अपना नाम उसमें लिखवाया है, तो मैं बस ये पूछना आया था कि आज शाम को मैं और नटू काका आधा घंटा जल्दी चले जाए तो चलेगा? हाँ भैया। हाँ नहीं, बस मैं और नटू काका टाइम पे कैरम कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे। Woo!
हार गए। लगता है आज मेरे भाग्य में ही नहीं है जीतना। मुझे नहीं खेलना कैरम। काश वो चमत्कारी अंगूठी हमारे हाथ में होती, हम लोग हर मैच जीतते थे। गोगी चमत्कारी अंगूठी की बात मत कर, गोकुल धाम में अब इस टॉपिक का दी एंड हो चुका है। रिंकू गोगी, अरे बेटा भाग्य को दोष मत दो, खुद को दोष दो, क्योंकि इंसान भाग्य से नहीं बल्कि कर्म, मेहनत, एकाग्रता और सही वक्त पर सही फैसले से जीतता है। बिल्कुल सही कहा दादाजी। चलो चलो फ्रेंड्स, एक और गेम खेलते हैं। नहीं यार टप्पू, अभी भूख लगी है, पहले खाना खा लेते यार। अरे अरे गोली थोड़ी देर वेट करना, पापा बस दुकान से आते ही होंगे। हाँ। एक काम करो, आप लोग खेलो, मैं तब तक जेटांगा का बालकनी में वेट करता हूँ। टप्पू मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी कैरम नहीं खेलते, इसे रख देते, हम इसको रख के आते। चल हाँ, चल चल। अरे क्या शॉट मारा ना मैंने लास्ट वाला। अमेजिंग टप्पू, जेटांगल आ गए। एक काम करते हैं, जेटांगल के साथ मजाक करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बेस्ट आइडिया, मजा आएगा, पापा का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। क्या कौन फ्रेश हो जाएगा? टप्पू पापा भी ऊपर आ रहे, तो हम उनके साथ मजाक करने का सोचते हैं। टप्पू मजाक नंबर 7। हाँ हाँ ठीक है। मजाक नंबर 7 क्या है? दादाजी कुछ नहीं होगा, प्लीज 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 करने दीजिए ना, मजा आएगा दादाजी, प्लीज प्लीज प्लीज। यस लव यू दादाजी। तो फ्रेंड्स नंबर 7 फाइनल। ओके लाइट क्यों बंद है? टप्पू, टप्पू जी किचन में आप लोग। अरे ये क्या मेन स्विच टिप हो रही है? तो पर स्विच चालू करने पर तो लाइट चालू हो गई थी। स्विच चालू करने पर लाइट तो चालू हो गई, तो ये स्विच बंद किसने की? ये सादी स्विच भी मेन स्विच की तरह अपने आप टिप होती है। अरे टप्पू, पप्पू जी, क्या हो रहा है? लाइट अपने आप क्यों बंद हो रही है? क्यों ही अपने आप चालू हो गया? अपने आप बंद भी हो गया, ये क्या हो रहा है? घर में बिल्ली आ गई है, घर में कुत्ता भी है। ये क्या हो रहा है? अरे घर अचानक जंगल कैसे हो गया? भूत भूत नहीं है, हम ही आपके साथ मजाक कर रहे थे। हाँ। भूत है बेटा, भूत है। अरे जेठिया, हम सब तेरे साथ मजाक कर रहे थे। नहीं नहीं बापूजी, मजाक नहीं है, सच में भूत है बापूजी। मैंने दो बार लाइट चालू की, दोनों बार लाइट अपने बंद हो गई, और टीवी भी अपने चालू के बंद हो गया बापूजी। और घर में से अलग अलग जानवरों की आवाज आ रही थी बापूजी, बिल्ली कुत्ता और न जाने क्या क्या। अरे अरे हम लोग ही थे, हम लोग ही जानवरों की आवाज निकल रहे थे। और जेठा अंकल सोफे के पीछे से टीवी ऑन ऑफ मैं ही कर रही थी। मतलब ये मजाक था? हाँ हाँ। अपने पापा के साथ ऐसा गंदा मजाक करता है, शर्म नहीं आती? ऐसा कोई मजाक करता है? सांस भूल गई मेरी।
मुझे प्लीज आज आप बीच में कुछ मत बोलना। इस मजाक के लिए टप्पू सेना को माफी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी। अपना अपना मोबाइल फोन दो। क्या 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 फोन दे पापा। एक मिनट मोबाइल दो। जी अंकल मोबाइल दो। आप लोगों की सजा ये है कि ये मोबाइल एक हफ्ते तक मेरे पास ही रहेंगे। पापा एक हफ्ता? टप्पू फोन के बिना एक घंटा नहीं रह सकते, एक हफ्ता कैसे रहेंगे? दादाजी क्या दादाजी, मैंने तो पहले ही कहा था मजाक कहीं भारी ना पड़ जाए। अभी भूख तो टप्पू मुझे लगता है जेठा अंकल पे मजाक का बहुत सीरियस असर हो गया है। मैं अभी पापा को बुला के लाऊं क्या? जा जा जल्दी जा 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 जा। ब्रेकिंग न्यूज़ सुने बगैर यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ आज पाउडर गली के गोकुलधाम सोसाइटी में एक डरावना हादसा हुआ। गोकुलधाम सोसाइटी की नामचीन टप्पू सेना ने आदरणीय चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा के साथ मिलके जेठालाल चंपकलाल गड़ा के साथ डरावना मजाक किया। लेकिन होशियार व्यापारी अनुभवी घाट घाट का पानी पी चुके हुए स्मार्ट जेठालाल चंपकलाल गड़ा जब घर में दाखिल हुए तो उन्होंने टप्पू सेना के जूते चप्पल देख लिए थे, तो उनको पहले से पता था कि टप्पू सेना उनके साथ मजाक कर रही है। लेकिन जेठालाल चंपकलाल गड़ा ने डरने की एक्टिंग करके टप्पू सेना का ही मजाक बना दिया। तो दोस्तों इसके लिए तालियां तो बनती है कि नहीं? सुबह अंगूठी का कांड हुआ तो तेरी समझदारी गायब हो गई और रात होते ही तेरी समझदारी और होशियारी वापस आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी। जी 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 मान गया पापा, मान गया आपको। मान गया ना तो भाई अभी फटाफट खाना लगा भाई, मैं फटाफट फ्रेश होके आता हूँ। जोरदार भूख लगी है तो सब साथ में खाना खाने बैठते हैं। वैसे क्या खाने में क्या है आज? पापा पद्मावती भोजनालय से खाना नहीं आया है। टप्पू बेटा बस अभी बहुत हो गया, अभी मजाक नहीं बेटा। हाँ बोल बोलो क्या आया खाना? नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दादाजी से पूछिए आप। हाँ क्या आज पद्मावती भोजनालय से खाना नहीं आया? क्यों? क्योंकि मैंने शाम को फोन करके मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पापा आज हमने बाहर से खाना मंगवाने का प्लान किया है। अभी कब तू खाना ऑर्डर करेगा, कब खाना आएगा, कब हम खाना खाने बैठेंगे? जोरदार भूख लगी है मुझे। अरे पापा खाने का एक ऐप है जिगी ऐप, उससे खाना मंगवाएंगे ना तो खाना फटाफट आ जाएगा। आप बस फ्रेश होकर आइए खाना आ जाएगा। मंगा मंगा जल्दी मंगा जल्दी मंगा। हाँ पापा फोन अंदर ले लेना भाई। मैं लेकर। पापा क्या खाएंगे आप? हम लोग पिज्जा और पास्ता खाएंगे। हाँ भाई मुझे भी चलेगा, जो फटाफट आए मंगा भाई, बहुत भूख लगी है। अंगूठी कांड से हुई लेकिन दिन का अंत टप्पू सेना की पिज्जा पार्टी के साथ मजेदार होगा। मित्र जीवन में कई बार हम कुछ खोकर सीखते, ठोकर खा के सीखते। हमारे इस पूरे प्रकरण में हमने ये सीखा कि चमत्कार और अंधविश्वास पे यकीन नहीं रखना चाहिए। यह अनुभव हमें मिला लेकिन हमें
ये मानते नहीं है, हम तमाम लोग चमत्कारों पे यकीन रखते हैं, लक अनलक के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये मेरा लकी बैट है, इससे जब मैं खेलता हूँ तो सेंचुरी बनाता हूँ। भाई सेंचुरी आपके बैट की वजह से नहीं बनती, सेंचुरी बनती है आपके सामर्थ्य से, आपकी काबिलियत से और आपके परिश्रम से। इसलिए इन चक्करों में मत पड़िए। लेकिन हमें ये मेरा लकी शर्ट है, ये मेरा लकी पेन है, ये मेरा लकी डे है, ये मेरा लकी चार्म है। मित्रों जीवन में सिर्फ एक चीज पे विश्वास रखिए, वो है आप स्वयं। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। आपकी सोच सकारात्मक हो, आप कर्म पे विश्वास रखेंगे तो सब चीजें स्वतः ही अच्छी होती चली जाएंगी। कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, परिश्रम सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ मित्रों, कल आ रहा है वैलेंटाइन डे, यानी कि प्रेम के इजहार का दिन। बस आप भी आपसे हमारा प्रेम और स्नेह यूं ही बनाए रखिए, हम आपसे अपने प्रेम का इजहार करते रहेंगे, आप भी हमसे अपने प्रेम का इजहार करते रहिए। और यहाँ गोकुल धाम, आप जानते हैं टप्पू और सोनू की दोस्ती, भाई इस दोस्ती से भिड़े को कभी कभी चिड़ होती है, परेशानी होती है। भाई एक बेटी के पिता को परेशानी क्यों ना होगी, लेकिन ये जो वैलेंटाइन डे भिड़े के लिए परेशानी वाला डे होगा, लेकिन आपके लिए लाफ्टर डे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।